राजा सुप्रीमो लालू यादव की बेटी और महागठबंधन प्रत्याशी मीसा भारती कल करेंगी अपना नामांकन। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर बीजेपी के रामकृपाल यादव से होगा मुकाबला। लोकसभा चुनाव धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। तीन चरणों का मतदान खत्म हो चुका है, वहीं कल यानी 13 मई को चौथे चरण का मतदान होना है। पांचवें छठे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहीं सातवें चरण के लिए नामांकन लगातार जारी है। इसी कड़ी में कल यानी सोमवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती भी अपना नामांकन करेंगी। तो आपको बता दे चले, राजद प्रत्याशी और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही हैं। तो लगातार इस बार बिहार में मुकाबला पूरी तरीके से दिलचस्प होने वाला है। नमस्ते, मैं मीसा भारती आप सबको प्रणाम करती हूँ। आप सभी पाटलिपुत्र के सम्मानित मतदाताओं से कहना चाहती हूँ कि आपके प्रेम आशीर्वाद और सहयोग की बहुत आभारी कृतज्ञ हूँ। मैं लोकतंत्र के इस महापर्व में आपके आशीर्वाद से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी के रूप में पाटलिपुत्रा लोकसभा से नामांकन करने जा रही हूँ। नामांकन सभा का आयोजन दिनांक 13 मई 2024 को 11 बजे श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल गांधी मैदान में तय हुआ है। आप सभी से सादर निवेदन है कि अपनी दीदी अपनी बेटी के नामांकन सभा का हिस्सा बने और मुझे अपना आशीर्वाद दें।